मैं पहले सूरत में हीरा किसी का काम करता था महीने का दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार रुपये कमाता था तो फिर मेरे को किसी ने बोला मधुमक्खी पालन करो तो फिर मैंने दो हज़ार ग्यारह बारह में मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया तो दस बक्सों से चालू किया था पर मेरे को एक साथी था उस उसी के साथ मैंने ट्रेनिंग लेके काम सीखा डायरेक्ट मधुमक्खी पालन का काम किया और मधुमक्खी दस बक्सों से मैंने लगभग चार सौ किलो शहद निकाला एक बार में फिर मेरे को लगा अच्छा है मधुमक्खी पालन और आज मैं लगभग 500 डिब्बे का कारोबार कर रहा हूँ और इस समय मधुमक्खी पालन किसानों के लिए बहुत अच्छा वरदान है क्योंकि इससे पोलिनेशन अच्छा बढ़ता है और मैं गांव में रहकर मेरे चित्तौड़गढ़ ज़िले में अजवाइन की खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ भारत भर के लोग अजवाइन के लिए आते हैं तो अजवाइन का क्षेत्र बहुत बढ़िया रहता है और मैं तो ये अपने खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी बहुत अच्छा व्यवसाय है तो मेरे आज मासिक आय लगभग साठ सत्तर हज़ार है और साल के लगभग मैं सात आठ लाख रुपए कमा लेता हूँ इससे मेरी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है और मधुमक्खी पालन से मैं हर जगह जाता हूँ बाहर जैसे अपने में हूं। कोटा में जाता हूँ कोटा में सरसों का शहद लेता हूँ धनिया का शहद लेता हूँ कीकर का शहद लेता हूँ और चित्तौड़गढ़ जिले में भी सरसों का शहद है अजवाइन का शहद है वो लेता हूँ और अपने हनुमानगढ़ की तरफ तो बेरी का शहद लेता हूँ कभी कभी हम जम्मू कश्मीर की तरफ़ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का आने का वो लगभग चार सौ पाँच सौ रुपये किलो का शहद बिक जाता है अपना इसलिए मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि यह मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है यदि आप अच्छे ढंग से करोगे तो जैसे 10 मधुमक्खियाँ कॉलोनी आप की तो एक साल में आप डबल मधुमक्खियाँ कॉलोनी हो जाएंगे और आप शहद का उत्पादन बढ़ जाएगा इसलिए मैं किसान भाइयों को चाहता हूँ कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए यह मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है